रिवर्स पे एचएसबीसी का होल्ड कॉपी 1100 के लक्ष्य के साथ। अच्छा, ये बेसिकली पोर्शे के वैल्यूएशंस के साथ कंपैरिजन। ये पोर्शे पोर्शे का ग्रांड था, अपन कभी बैठे नहीं तो पता नहीं है। पोर्शे बोलो ना, पोर्शे होता है, बिल्कुल सही बोल रहे आप, इट्स पोर्शे पोर्शे। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैट्रिक्स और ब्रांड परसेप्शन को कन्वर्ज होना पड़ेगा ताकि जेलर के वैल्यूएशन पोर्शे के साथ कन्वर्ज हो पाए। फाइनेंशियल मैट्रिक्स जेलर के इंप्रूव हो रहे हैं पर इसके रीसेल वैल्यू के ट्रेंड्स अभी भी इंफीरियर है वर्सेस पोर्शे। ये हमेशा फिलहाल के तो लगता है पोर्शे के वैल्यूएशन से लैग ही करेगा। ये फिर भी वो होल्ड के साथ 1100 के लक्ष्य के साथ चल रहे। यूपीएस का जो सेल कॉल आया है, मतलब पोर्शे से कंपैरिजन टॉक कर रहे थे लेकिन वो बुलिश है स्टॉक। यूपीएस सेल कॉल लेकर आया है और ये इंटरेस्टिंग है, 825 के लक्ष्य। ये कह रहा है क्वेश्चन जो सबको इन्वेस्टर्स को चिंतित करना चाहिए कि जेलर के डिस्काउंट स्पाइक अप हो रहे हैं। वो डिफेंडर, वो रेंज रोवर, रेंज रोवर स्पोर्ट, ये जो ट्रायो था जेलर के प्रीमियम मॉडल्स का जिसने अब तक एवरेज सेलिंग प्राइसेस बूस्ट करी थी, अब ये सेलिंग इनकी मॉडरेट हो रही है। इनकी ऑर्डर बुक अब प्री कोविड लेवल्स के नीचे चली गई, रेंज रोवर के डिस्काउंट आगे और बढ़ने का खतरा है और इसीलिए मान रहे हैं कि डाउनसाइड रिस्क है, मार्जिन स्लिपेजेस होंगे जेलर में और इवन विद इन इंडियन पैसेंजर व्हीकल सेक्टर। तथ्य तो इंटरेस्टिंग है पर गौरान सर ये ठंडा भी पड़ा था, 1000 के ऊपर जाने का एकदम से करेक्ट भी हुआ बीच में। एक दिन तो अभी हाल फिलहाल में याद है वो 5-6% का डीप कट आया। सो क्या क्या साहब टाटा मोटर्स में करना क्या है गौरान सर? यहाँ पर भी बने रहे हैं और मौके ढूंढे। ये रिपोर्ट को लेकर के जो निचले स्तर पर देख रहे हैं वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मौका है। 1250 के लक्ष्यांक है अनुमानित नतीजों के आधार पर आने वाले समय के। और एक बात है, ये जेलर की जो हम बात कर रहे हैं ना, तो मैंने जो सुना है पढ़ा है, कितना सत्य असत्य मुझे नहीं पता, लेकिन गुजरात में जो सनान प्लांट है वहां पर अब तक वो सब टाटा की ब्रांड टाटा की गाड़ियां बन रही थी, जेलर की गाड़ियां भी वहां बनेगी, जिससे एक प्राइस एडवांटेज बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट कम होगी। तो और वो मेरे ख्याल से वो जो मार्जिन को लेकर के चिंता है वो एक नेगेट कर देगी। तो लंबी अवधि का है नजरिया 1250 के मार्जिन पर लीजिए भैया। अच्छी बात ये, जहां पे हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश हुए वो जो ब्रोकरेज मैंने दिखाई थी उनके टारगेट्स तो ऑलमोस्ट वही स्टॉक खड़े हुए थे, अपने एक्सपर्ट्स ने और दमखम भर दिया उन स्टॉक में, अभी तो और दम है। खैर मैं रैप अप कर देता हूँ, जो 5 स्टॉक था डिस्कशन में आए थे दिखाएंगे क्या स्क्रीन पे, तो समझ में आएगा आपको एंड में तस्वीर कहाँ पे बुलिश होना है कहाँ पे वाकई बेरिश होना है। सुदीप सर, वोल्टास पे 20% की मौजूदा सबसे तेजी संभव है और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के वैल्यूएशन इस समय की कंसर्न है, अवॉइड ही करें इस पर वो बियरिश। हमने गौरांग सर से हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई और टाटा मोटर्स की चर्चा करी थी, देश की तीन दिग्गज कंपनीज, तीनों को लेकर गौरांग सर बुलिश साउंड कर रहे हैं। तो लार्जली स्टॉक स्पेसिफिक्स बुलिश है, एक डिक्सन टेक्नोलॉजीज के वैल्यूएशन के कंसर्न्स हैं, ये हमारे एक्सपर्ट्स की राय आप। होपफुली ये शो इंटरेस्टिंग रहा होगा।